Hello friends, welcome to DCS Learning. In this video, we will discuss about very important question. आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये question पूछा कि सर ये general category के अंदर SC, ST, OBC कैसे आ गए, EWS कैसे आ गए, किसी का EWS category है, फिर उसका name general list में कैसे आया, ठीक है? तो दोस्तों इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्या सब हुआ है इंडिया में और इंडियन का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इसको मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। और मैं इसके बाद, ये तो पूरा जनरल टॉपिक रहेगा, मतलब सिर्फ RIE CE के लिए एप्लीकेबल होने के साथ साथ और भी बहुत सारे, मतलब जितने भी एग्जाम है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है इंडियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जितने स्कूल होते हैं, स्टेट लेवल पे भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट सेम रहता है, तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि कैटेगरी, ये जो कास्ट सिस्टम है, कैटेगरी सिस्टम है, उसमें कैसे सीट का एलोकेशन कैसे होता है और कैसे रिजर्वेशन का आप लाभ उठा सकते हैं, बेनिफिट्स क्या, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको जो आपका एडमिशन कराना है उसका प्रोसीजर थोड़ा समझाऊंगा, कैसे आपको ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह कराना है RIE CE के लिए, लेकिन ये टॉपिक जनरल है, सबके लिए यूजफुल होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि इंडिया में जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो कैसा है। इंडिया में जो रिजर्वेशन सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू दैट SC के लिए, SC शेड्यूल कास्ट के लिए 15% सीट जो है वो रिजर्व रहता है, 15% सीट SC के लिए रिजर्व रहता है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% रिजर्व रहता है, क्लियर। उसके बाद OBC के लिए 27% रिजर्व रहता है और EWS के लिए 10% रिजर्व रहता है, ठीक है। तो पहले दोस्तों, पहले ये EWS वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, ये सिर्फ तीन रिजर्वेशन हुआ करते थे, SC ST OBC, ठीक है, तीनों को मिला के आप ऐड करेंगे तो 49.5% रिजर्वेशन है, ठीक है ना, था पहले इतना था। और एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के एक नियम के अनुसार था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोहिबिट करता है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो ये किस केस के बेसिस पे ये बोला गया था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, जो लोग भी थोड़ा पॉलिटिकल पर इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप लोग गूगल सर्च करके इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा, ये जो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में रिसेंटली 100 की बात ही हुआ है, 100 टोटल कितना, 100, 103, 104 ऐसे कुछ है, तो ये 100 के बाद ही ऐड किया गया है, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में EWS कैटेगरी का एडिशन हुआ, उसका आंसर आपको देना है। तो मैं आपको दो क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन नंबर वन, किस एक्ट के अनुसार बोला गया है कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये EWS का एडिशन हुआ है। चलिए, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया और आपका जो मैंने रिजर्वेशन कहाँ पे कितना है समझा दिया। तो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी का सिस्टम को हम देखेंगे, EWS को मिला देंगे तो टोटल 59.5% जो सीट्स है वो रिजर्व है, ठीक है, ठीक है, वहां पे रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते हैं 59.5% सीट के लिए, और बाकी जितना बचा आपका 41.5% जो सीट है, ये जो है आपका क्या है, ये आपका अनरिजर्व्ड है, ठीक है, अनरिजर्व्ड है, ठीक है। तो बच्चे, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज इसमें रहते हैं कि वहां पे अनरिजर्व बहुत कम जगह पे लिखा रहता है, बहुत सारे जगह पे यहाँ पे जनरल लिखा रहता है, तो लोग समझते हैं कि जनरल एक कास्ट है, लोग ये समझते हैं कि जनरल क्या है, जनरल एक कास्ट है, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जनरल कोई इसमें से नहीं आता, कोई कास्ट में नहीं आता जहां से आप रिजर्वेशन उठा सकते हैं, जनरल मतलब होता है अनरिजर्व्ड, जहां पे आप रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा सकते, आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा सकते, तो आप जनरल कैंडिडेट हो जाते हैं। आप कौन सा कैंडिडेट हो जाते हैं, आप जनरल कैंडिडेट हो जाते हैं, क्लियर, ओके। तो जनरल मतलब अनरिजर्व, यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ आप नहीं उठा सकते, तो ये कंसेप्ट आपका समझ में आ गया, रिजर्वेशन क्या होता है और अनरिजर्व्ड या फिर जनरल क्या होता है, ओके। अब मैं आपको ये एग्जांपल सुनाता हूँ, ठीक है, इस बार क्या हुआ, ठीक है, आपने ये समझ लिया, पूरा स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, अच्छे से आपको समझा दिया गया है, 41.5% क्या होना चाहिए, इतना अनरिजर्व्ड है, ठीक है, इतना सीट अनरिजर्व, बाकी सब रिजर्व्ड है। तो मैं यहाँ पे आप एक इंसिडेंट समझाता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक चीज, यहाँ पे UR करके लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे UR जो है वो कितना है, अनरिजर्व्ड है, 41.5% दिख रहा है ना वो, ओके। अब देखिए, इस बार क्या हुआ, 2020 वाला एग्जाम में, 2020 वाला
RIECE के एग्जाम में बहुत सारे SC ST OBC का नाम आया जनरल लिस्ट में, ठीक है, बहुत सारे SC ST OBC और EWS का नाम आया, कहाँ पे इनका नाम आया, कहाँ पे जनरल लिस्ट में। तो जो बच्चे जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो बच्चे जनरल कैंडिडेट हैं, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका नाम जनरल लिस्ट में आ जाए। तो मैं ये आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जनरल लिस्ट का मतलब ये है कि मैंने अभी आपको बोला कि अनरिजर्व्ड है, यहाँ पे कोई भी कॉम्पीट कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपका 10 सीट, मान लीजिए कि RI में मान लीजिए 10 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड है, ठीक है ना, 10 सीट मान लीजिए वो अनरिजर्व्ड है, तो यहाँ पे इसके लिए कोई भी कॉम्पीट कर सकता है। जिसका भी ज्यादा परसेंटेज होगा वो इसके लिए कॉम्पीट करेगा। वो भले जनरल मतलब जनरल कैंडिडेट हो जिसके पास कोई रिजर्वेशन ना हो, भले ही वो SC कैंडिडेट हो, ST कैंडिडेट हो, OBC हो या फिर EWS, जनरल नाम का कोई कास्ट या कैटेगरी नहीं होता दोस्तों। जनरल मतलब सब लोग सेम इक्वल है, जिसके पास कोई स्पेशल रिजर्वेशन का मतलब सर्टिफिकेट नहीं है, जिसके पास कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं है, वो जनरल में आता है। तो जनरल का मतलब नहीं कि जनरल कोई कैटेगरी है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इवन अगर किसी पीएच का भी अगर मान लीजिए 99% मार्क होता तो उसका रैंक कहाँ पे आता, कोई पीएच का भी रैंक जनरल लिस्ट में आता, कोई ईडब्ल्यूएस का रैंक भी जनरल लिस्ट में, उसका भी ईडब्ल्यूएस का मान लीजिए मार्क 98% है और उसका जो सिलेक्शन जनरल में होता है मतलब नॉर्मल। इसका मतलब क्या है कि इन लोगों ने जिनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है, इन लोगों ने वहां पे एक सीट के लिए अपना रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठाया या फिर उनको उठाने का जरूरत नहीं पड़ा, उन्होंने बिना रिजर्वेशन का सहारा लिए ये बच्चे जनरल सीट में उनका दाखिला हुआ, ठीक है ना, कोई भी उनको रिजर्वेशन का यूज करना नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास परसेंटेज ही अच्छा है, उनका रिजर्वेशन का कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो फिर रिजर्वेशन होता क्या है, रिजर्वेशन वो होता है अगर जनरल में सीट क्या हो जाए, अगर मान लो जनरल में सीट फिलअप हो जाए, ठीक है, जनरल में क्या हो गया सीट, मान लो यहाँ पे जनरल को मैं UR भी बोलते हैं, UR अनरिजर्व बोलते हैं, मान लीजिए जनरल में 10 सीट है और वो 10 में 10 सीट क्या हो गया फिलअप हो गया। पहले इसको काउंट करेंगे, सबसे पहले इसको काउंट करते हैं, काउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है, सबसे पहले जनरल को काउंट करेंगे, जनरल का फिल हो गया, उसके बाद मान लीजिए वहां पे बोला गया है कि SC के लिए हमको 2 सीट रखना है, तो फिर यहाँ पे SC का परसेंटेज देखेंगे, जिसका ज्यादा परसेंट होगा SC कैटेगरी, यहाँ पे पहले तो देखेंगे सबका, देखेंगे जनरल में देखेंगे सबका पूरा रैंक वाइज सबका देखेंगे मार्क कितना है, उसके बाद जो जिसका नहीं हुआ जनरल में, जनरल को हटा देंगे पूरा और जनरल यहाँ पे कोई लाभ नहीं उठा सकता, ठीक है। उसके बाद SC को गिनेंगे, SC में 2 बच्चे जिनका परसेंटेज ऊपर होगा रैंक में, उनको सिर्फ SC कैटेगरी का काउंट करेंगे, 2 बच्चे को चूज करेंगे, फिर ST कैटेगरी का सिर्फ लेंगे, SC को हटा देंगे, सिर्फ ST को लेंगे, SC का टॉप जो 2 बच्चे होंगे उनको लेंगे, फिर OBC का अगर 2 सीट तो उनको लेंगे, बाकी सबको हटा देंगे, सिर्फ OBC को देखेंगे, रैंक वाइज देखेंगे उसको लेंगे, और एट लास्ट अगर EWS का चूज करना है तो EWS का रैंक वाइज देखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। एक सीट अगर EWS को चाहिए तो बस एक ही बच्चे को वहां पे जिसका टॉप परसेंट होगा उसको लिया जाता है। तो ये आपका सिंपल कंसेप्ट था, क्योंकि आप लोग बच्चे हो इसलिए आपको इसका समझ ज्ञान नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया, आगे आपके लाइफ में इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे, ये मेरा गारंटी है। हाँ, 2 क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ कि कौन सा ऐसा मतलब एक्ट के अनुसार यहाँ पे 50% से कम होना चाहिए, इसका आंसर आपको देना है, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पे 100 के बाद ही है, ठीक है, 100 के बाद में इतना आपको मतलब हिंट दे सकता हूँ, यहाँ पे EWS का एडिशन हुआ उसका आंसर आपको देना है। ये तो खत्म हो गया एक चीज, उसके बाद आपको जो अपना क्या है कि एडमिशन करना है। इस बार आपका एडमिशन किस में होगा दोस्तों, इस बार आपका एडमिशन GM में होगा, मतलब इस बार आपका एडमिशन जो होगा वो गूगल मीट के थ्रू होगा। जिस मीडियम में हम लोग पढ़ते हैं, जिस मीडियम में हम लोग सुपर 50 वाले पढ़ते हैं, ठीक है ना, उस मीडियम में आपका इस बार एडमिशन होगा। दोस्तों मैं आप सुपर 50 के बारे में एक और बार बता देता हूँ, सुपर 50 जो है यहाँ पे RIC के प्रिपरेशन के लिए है, ठीक है। मैं और मेरे कुछ दोस्त जो RI से ही बिलोंग करते हैं, आप सबको मेरे को जानते होंगे, RI भुवनेश्वर से मैं बिलोंग करता हूँ, 2015 से 2019 बैच, तो मेरे जैसे कुछ लोग हम लोग सुपर 50 का शुरुआत किए हैं। अगर एक बैच खत्म भी होता है तो दूसरा बैच जो है और मेरे दूसरे टीम जो है वो पढ़ाएंगे आपको, तो आप जुड़ सकते हैं सुपर 50 के लिए, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत कम है, आप कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं। जितना आप लेट करेंगे दूसरा बैच थोड़ा कॉस्टली होगा, तो पहला बैच में जुड़ जाइए, बहुत सारा बेनिफिट होगा, जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम कम भी मिलेगा और दूसरी बात आपको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सुपर 50 को ज्वाइन कर लो,
अगर ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, मैं मान लो वीडियो नहीं बना पाता हूँ और एक्सपर्ट से बात करना, तो आप मेंबर बन सकते हो अपना यहाँ पे। सिंपल सा बात है, बहुत सारे लोग मेंबर बन के मेरे साथ बात भी करते हैं, ठीक है ना। वीडियो हमेशा बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो मेंबर बन के बस हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। तो इनमें से कोई एक ले सकते हो। आपका जो एडमिशन होगा गूगल मीट पे होगा, डिटेल वगैरह क्या होगा मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि जिस जिनको ये नॉलेज नहीं है, और ये नॉलेज पाने से वो मतलब बेनिफिटेड होंगे, उनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपको मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि दूसरों के साथ शेयर कीजिए और दूसरों को बेनिफिट पहुंचाए। अपने चैनल जो DCS लर्निंग, उसका मतलब है पढ़ो पढ़ाओ लाइफ बनाओ। DCS मतलब तो अलग है, लेकिन इसका मकसद जो है वो पढ़ो पढ़ाओ लाइफ बनाओ, दूसरों को पढ़ाना है, हमेशा ज्ञान को आगे बढ़ाना है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे। थैंक यू।